हेलो मेरे प्यारे बच्चों चलिए तो अगला इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं स्पीड में वॉल्यूम टू लेके आए इतना स्पीड कहा बोलते हैं तू फास्ट करके देख लेता था क्या कारण स्पीड के चलिए तो हम जो लेके आए हैं प्यारे बच्चों अब वॉल्यूम वन की सिलेबस की कंप्लीट जानकारी जो सिलेबस अपडेट हुआ है न्यू वाले सिलेबस जो आपके एन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनके हम वॉल्यूम वन का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से भी जाके लिंक से वॉल्यूम वन के सिलेबस देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर न्यू यूजर हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए एक छोटी सी जानकारी और आपको हम देंगे वो क्या कि आपको किसी भी प्रकार की अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो हमारा एक एप्लीकेशन है एरे मैथमेटिक्स जो आपको यहाँ दिख रहा है इस पर आप जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपनी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सभी कोर्स का वीडियो अवेलेबल है आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रहा वॉल्यूम टू का तो ध्यान समझिए

टाइम लगेगा कि जानकारी पूरी है तो पढ़ने में समय कम लगेगा नहीं तो पता चला सब पढ़ लिए लिए पूरा मेहनत कर तब पता चला पढ़ना था तखन मन में गुस्सा उठेगा ना हाथ तेरी का फेंक जल्दी इसीलिए थोड़ा सा मजा से चलिए तो हम बताने जा रहे थे इंटीग्रेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनमें आपको एक छोटा सा चेंजिंग किया गया है क्या वो हम आपको बताते हैं 7.2, 7.3, 7.4 जो एक्सरसाइज आपका ये सब आपका 7.5, 7.6, 7.7 सेवन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सेवन यहाँ तक आपका सेम रखा गया है जो आपका पहले सिलेबस था वही आपका अभी भी सिलेबस है जो चेंजिंग क्या है सेवन पॉइंट एट इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन था सम ऑफ लिमिट वाला कॉन्सेप्ट था सेवन पॉइंट एट जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था और हम देखिए आपको पहले से पूछिएगा किसी बच्चों से हम पहले भी नहीं पढ़ाते थे और एनसीआरटी का मन कर गया सिलेबस अपडेट करके वो भी हटा दिया तो इसमें दोनों का फायदा है तो सेवन जो था लिमिट आज सम आपको और एक जानकारी दे दें कि आप सोचिएगा कि सर जब ये हट गया तो हम अपनी करियर में कहाँ पढ़ेंगे आपको हम गारंटी देते हैं जब आप बी में मैथ रखिएगा या बी में तो लिमिट एज अ सम वाला कॉन्सेप्ट बी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा आपको इसीलिए आप इससे मत पीछे हटिएगा कि सिलेबस कम किया तो हमको नॉलेज कम होगा नॉलेज कम नहीं हो रहा है अभी के दौर में जिस समय जो सिलेबस पढ़ने की जरूरत है वो जैसे अभी कोई बच्चा ऐसा भी है कि सिक्स का बच्चा भी ट्वेल्थ का मैथ बनाने लगे तो उनके लिए भैया क्या हो जाएगा सिलेबस ढेर हो जाएगा अभी सिक्स में सिक्स वाला पढ़िए सेवन में रहेंगे सेवन वाला टेंथ में गए टेंथ वाला और ट्वेल्थ में गए तो ट्वेल्थ वाला जैसे आप कहिएगा कैसे हम थ की सिलेबस की भी वीडियो बनाएंगे और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे उनका लिंक आप वहां से देखिएगा पहले और सेवन पॉइंट नाइन जो था पहले वाले बुक में अब उसको सेवन पॉइंट एट बना दिया गया ये बात क्लियर है तो बाकी फिर से ये हटा दिया गया है ये हटा दिया है और 7.9 जो है वो सेम है 7.10 सेम है 7.11 भी आपका ये सब आपका सेम टू सेम है कोई चेंजिंग नहीं किया गया है अब आइए मिसलेनियस जो था उसमें मिसलेनियस से क्या क्या हटा है वो आपको हम थोड़ा डिस्कस कर दें मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 19 हट गया 32 टू फोर्टी और फोर्टी चार इस सब को हटा के कर दिया सिलेबस को आधा और करेगा इस पर तुम विचार ये बहुत मज़ेदार बना दिया है ये सब हटा दिया गया है हटा दिया है ये बात क्लियर और इंटीग्रेशन आपको बहुत मज़े से पढ़ना है बहुत इजी कर दिया गया इंटीग्रेशन का सिलेबस और काफ़ी इंपॉर्टेंट बी बी आई अभी ये लगा देते हाँ हैं इसमें बहुत दिमाग लगाइएगा आपको डीसी और इंटीग्रेशन अच्छा हो गया कैलकुलस लिख के देंगे अच्छा होगा और कैलकुलस अच्छा हो गया 50 परसेंट मैथ का क्वेश्चन तेरा है फिलहाल एक्सरसाइज हम लोग एट की तरफ चलते हैं सॉरी चैप्टर एट की तरफ चलते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल शॉर्ट इज अवकलज सॉरी समाकलन के अनुप्रयोग इनका एक हिंदी नाम भी है बाबू समाकलन जो आप जानते होंगे बहुत ईजी हम आपको बार बार एक ही बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि वीडियो बड़ा है तो आप उसे स्किप ना कीजिएगा आपको सिलेबस की जानकारी पूरी लीजिए ठीक है चलिए फिलहाल हम एट पॉइंट की बात कर रहे हैं ये ग्राफ ग्राफ वाला था इसमें एक है कर्व क्या था? जब आप क्लास में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा या जब आप सिलेबस पढ़ेंगे आपको सब बताएंगे हम उस समय भी फिलहाल हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे थे इस पर जानकारी लीजिए तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा प्यारे बच्चों 8.1 से आपको जो देखिए पुराने बुक की बात कर हैं क्वेश्चन नंबर एक दो तीन ई हटा ई हटा उसके बाद और सुनिए छ भी हटा सात हटा आठ हटा नौ हटा दस हटा ग्यारह हटा ये सब हटा दिया गया है ये सब क्वेश्चन हटा दिया गया है मतलब जहां आप टोटल तेरह क्वेश्चन पढ़ते थे केवल चार बचा मतलब नौ हटा समझ गए हटा सावन की घटा समझ में आ केवल इसमें अब आप एट पॉइंट एक में न्यू बुक में चार क्वेश्चन पहले आता था तेरह को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बहुत ईजी कर दिया गया और खास जानकारी ये तो सुनिएगा तो आपका दिमाग और लो ई पूरा हटा ई पूरा हटा पूरा एट पॉइंट दू तो को हटा अब सुनिए 8.2 में पहले सात को क्वेश्चन था वो पूरे हटा अब मिसलेनियस की जानकारी लीजिए इसके मिसलेनियस में तो धमाका कर दिया गया है क्या जानते हैं सुनिए जरा दो तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इस सब के बाद पंद्रह अठारह और उन्नीस ये पूरे हटा ये सब हटा दिया गया है हटा दिया गया है अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जी तो पढ़ना कहा है हाय पढ़ना आप टेंशन मत लीजिए जितना है ना वो भी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें पहले 19 क्वेश्चन था अब पाँच बचा इसमें कितना था तेरह था तो चार बचा और इनमें 19 था तो पाँच बचा मतलब पूरे चैप्टर मिला केवल नौ गो बनाना है कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग भी है मजा आएगा चलिए तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चैप्टर नौ की तरफ चलते हैं फटाफट आइए एक्सरसाइज चैप्टर नौ बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन है शॉर्ट नेम अवकल डी अब हिंदी में डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंदी समीकरण बताए थे बताए थे आपको सिलेबस जब लिखाए थे क्लास में उस समय भी थे। तो चलिए इसमें था वैसा है तीन जो है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरे हटा तो नौ पॉइंट तीन को हटा ये हटा दिया गया है ये हटा है हटा दिया गया है अब देखिए 9.4 को अरेंज करके 9.3 में डाल दिया गया है 9.5 को चार में मतलब एक एक एक्सरसाइज एक एक को पीछे आगे कर दिया गया नौ पॉइंट पाँच ये आपको सेम है इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं किया गया 9.4 को तीन बना दिया गया वही बता रहे थे बाकी सब ये सब सेम है ये जैसा है वैसा है अब इसमें मिसलेनियस में का का हटा वो एक बार देखो तो घटा क्या क्या देखिए क्वेश्चन नंबर तीन पाँच और पंद्रह तीन पांच और पंद्रह को हटा दिया गया है यह भी आपका हटा दिया गया है मतलब मोर और लेस सिलेबस की बात करें प्यारे बच्चों तो आपको हम बता देते हैं 20 से 30 परसेंट सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है हमें तो लगता है कि हाँ 30 परसेंट ट्वेंटी नहीं बोला जाए 30 परसेंट सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है इसीलिए आप इस बार पूरी दम ख हम लगा के पढ़िए और सन्तानवे पंचानवे अंठानबे निन्यानवे पढ़ना है पूरे सौ में सौ समझ में आया आपको तो हम ये बोले हैं मेरा आप मटेरियल ले जाइए और मिलाइए किसी साल के क्वेश्चन से इनफैक्ट कभी कभी डाटा भी नहीं बदलता वही आटा आता है जो गुथ के हम भेजे थे इसीलिए आप टेंशन फ्री हो खूब पढ़िए और सिलेबस की जानकारी लेते चलिए इसके ना, नाइन्थ के बारे में हो चुका है थोड़ा सा हम लोग वैक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि वैक्टर में क्या क्या दिया गया है तो आइए एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर टेन चैप्टर दस है आपका प्यारे बच्चों वेक्टर जिसको आप बोलते हैं वेक्टर बहुत है कौन सा प्यारे बच्चों सदीश इनके बारे में भी हम जानकारी ले लें बहुत इजी है सदीश बीज गणित में क्या क्या हटा और क्या क्या बचा दस पॉइंट एक दो तीन चार सब सेम है जैसा पहले था वैसे ही है इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है पहले की तरह सेम पहले की तरह सेम जैसा पहले था वैसा सेम है इसमें कोई वेक्टर में आपको कोई चेंजिंग नहीं किया गया है लेकिन जो चेंजिंग किया गया है ना, वो सुनिएगा ना थ्री में आपका होश्य उड़ जाएगा बहुत बच्चा परेशान था थ्री में आइए ना सब का सॉल्यूशन देते हैं दस का सेम है वेक्टर में थोड़ा आते हैं चैप्टर 11 की तरफ जिनको हम 3D बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति इनमें आपको क्या किया गया बच्चों से ध्यान समझिए ग्यारह पॉइंट एक और ग्यारह पॉइंट एक सेम है ग्यारह पॉइंट एक और ग्यारह पॉइंट एक ना ग्यारह पॉइंट एक सेम है, है। समझे कि नहीं आप जरा ध्यान दीजिए ग्यारह पॉइंट दो से बच्चों क्वेश्चन नंबर आठ और नौ को हटा आठ और नौ को हटा हटा का मतलब हटा हटा का मतलब छटा छटा का मतलब मिटा इकता मिटा ना डिलीट कर दिया गया अब जरा ध्यान दीजिएगा फिर से 11.2 में दो क्वेश्चन हटा दिया गया और जो बात कर रहे थे ना सबसे भरुका टॉपिक था 11.3 पॉइंट ये मैक्सिमम बच्चा जो है क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता था कहा कि इसमें सुतुर बहुत लंबा लंबा था समझे इसीलिए उसको कहा कि तू हट जो तू बहुत दिन से रह गया था इसलिए उसको भी हटा दिया गया है ग्यारह पूरा हटा ग्यारह पॉइंट तीन पूरा हटा अब तो बचा खाली मौजा ही मजा। मिसलेनियस में क्या क्या बचा, उस पर आइए या क्या क्या हटा तो मिसलेनियस में से हटाया कौन कौन क्वेश्चन गया उस पर ध्यान दीजिए एकदम क्या बताए लिखेंगे तो हैरान हो जाइएगा अभी देखते है, देखते है। एक ई हटा आ दो भी हटा आ पाँच भी हटा सात भी हटा आठ भी दस ग्यारह ये सब सब एत लेक, से लेकर लगारह से ले कर एक बार लिख देते हैं बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस तक सब हटा एगो बीस बचा आ इक्कीसों बाईसों तेईसों यहाँ से तो, यहाँ से तो यहाँ टू लिखा हुआ है टू का मतलब से तक ये सब हटा ये सब हटा है तो बचा कौन है हो बाप तो लगे तीन चार एगो हत्ता बच गए कितना 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 बीस तीन मतलब केवल चार क्वेश्चन बचा मतलब कुछ आइए नहीं है जो थ्री के नाम से डरता था ना मार्केट में बच्चा उस थ्री बहुत आसान कर दिया है खूब मजे में पढ़िएगा खूब मजा आएगा बस आपको अब दो एक्सरसाइज की बात बच गई है पुनः एक एक छोटी सी जानकारी लाल बटन के नहीं दब लिया, खेंद खेंद की। एक बार लाइक को भी कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी जो आपके गांव में रहते हैं जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है अभी भी पुराने बुक से पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज रहेगा अच्छा तोहर सर जी इतने टा इतने लिखोता है तब तो इतने पर्व आप वो भी खुश हो जाएगा के इसीलिए आइए जो आपको कुछ चैप्टर था बाबू ट्वेल्व जिसको आप ग्राफ नाम से जानते हैं और एलपीपी जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ग्राफ हिंदी में नहीं इसका फुल फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब एकदम हल्का है इसमें नंबर पचन ग्राफ जो आता था अभी देखिए इसका वेटेज काफी तगड़ा है बाबू एक फाइव मार्क्स क्वेश्चन एक टू मार्क्स तीन ऑब्जेक्टिव मतलब दस मार्क्स दो सौ में हम बात कर रहे हैं कि दस मार्क्स आता ही आता है और आप अगर थोड़े से मेहनत कर दिए ना ये दस आपको हम लिख के देंगे वही आएगा जो असाइनमेंट हम देंगे ये बात चैलेंज है इसमें क्या खासियत है ध्यान समझिए हम इस साल भी जो ये साल भी हम आपको सभी बच्चे को एक सेशन दिए थे केवल आप बारह पॉइंट एक पढ़ के जाइए उसी से क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन आया है आप किसी भी बच्चे की असाइनमेंट लीजिए जो प्रीवियस ईयर था इस साल से आप क्वेश्चन मिलाइए तब आप हमें कहिएगा ये मेरा दावा है तो बारह पॉइंट एक आपका सेम है जैसा था वैसा है सेम है और जो बच्चा नहीं पढ़ता था वो था एक्सरसाइज बारह पॉइंट दो इसको नहीं पढ़ता था हमने चेयरमैन से ऊपर बात किया था इसको हटा दीजिए बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है वो हटा ये हटा दिया गया है पूरा हटा दिया इसमें बहुत सारा लैंग्वेज था जिस लैंग्वेज को लेकर परेशान था बच्चा कि इससे कंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता था उसके बाद उससे इक्वेशन क्रिएट करने के बाद तब सॉल्व करना पड़ता था अब टेंशन हटा केवल बारह पॉइंट एक बनाना है जिसमें दस वो क्वेश्चन है बाकी सब हटा अब मिसलेनियस पूरे डिलीट कर दिए जो हम ही डिलीट करवा दिए तो मिसलेनियसो हटा मिसलेनियसो हटा ये बात क्लियर मतलब ग्राफ So, अगर आप मेरे अलेवंथ भी पढ़ लिये ना तो ग्राफ आप दसों बना करिएगा मेरा चैलेंज है हम अलेवंथ वाले को भी लीनियर में टोटल ग्राफ पढ़ाए हैं तो वो भी बना सकता है क्लियर है अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एलेवंथ में भी थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है उस पर भी जानकारी देंगे ध्यान सुनिएगा अब आपका अंतिम चैप्टर जो बचा है चैप्टर थर्टीन जिसको आप प्रोबेबिलिटी नाम से जानते हैं और बाबू प्रायिकता बोलते हैं उसमें क्या किया गया ध्यान से सुनिए ना मोजा ही मोह जितना हम असाइनमेंट देवो उतने से आजा एक कोटा ने बाहर जा जा जा। ध्यान दे जा। तेरा एक, तेरा दो और तेरा तीन, ये सब आपका सेम है जैसा था वैसा है इसमें कोई बदलाव नहीं है अब कहिएगा सर बदलाव कहाँ है तेरह पॉइंट चार को पूरा हटा और तेरह पॉइंट पांच को साफे हटा ये सब पूरा हटा पूरा हटा दिया है सिलेबस ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनती बन जाएंगे मैथ से ज्यादा स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा थोड़ा सा मेहनत कर डालिए आपका कोई भी दोस्त जो टेंथ क्लास में है और वो नहीं पढ़ना चाह रहा था मैथ अलेवेंथ में बहुत भारी है तो दस में भारी ला लो तो हम आपको बताते हैं काफी सिलेबस हटा दिया गया है इसीलिए आप चिंतित ना हो आप एक बार मैथ को ज्वाइन कीजिए और गलती से आप मेरे यहाँ एक बार मुलाकात कीजिए ना तब चलेगा दोनों आदमी का मुकालत नहीं चलेगा मुलाकात तब देखिएगा मैथ कैसे टनाटन आपका होता है किसी भी लेवल पर कायन खड़ा है मैथ टॉप बना देंगे लेकिन आइए हमारे यहाँ एक बार इनमें आपको मिसलेनियस में भी जानकारी दे ही दे ही बच्चों मिसलेनियस में क्या हटा है वो समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, छः सात नौ दस और ग्यारह ये सब हटा दिया गया है ये सब हटा दिया है अब आपको अगर हम मोर और लेस बात करें तो आपका मेहनत बिल्कुल समाप्त

की जानकारी रखिए और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपको हम बताए थे हमारा एक नंबर है सब कुछ दिया हुआ है हमने बताएंगे जो आप इतना के लिए बाय बाय आप सोच रहे होंगे बहुत लंबा हो गया ठीक है तो बाय बाय और एक बात एलेवंथ की सिलेबस की जानकारी के लिए पुनः आपको बता दिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे क्लियर है पॉइंट तो ठीक है बाय बाय